इसराइल हमास में जिस मसले पर युद्ध, उस पर भारत में कभी नहीं हुआ संघर्ष, बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पंजाब में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी ने जताई चिंता, पराली जलाने की घटनाओं पर दिखाई सख्ती। राजस्थान बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयुक्त से की शिकायत, जानिए पूरा मामला। दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार की बड़ी सौगात, ईवी खरीदने वाले 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सब्सिडी का लाभ। राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद सीएम गहलोत की पहली प्रतिक्रिया की ये अपील। यूपी में सपा ही कर सकती है बीजेपी का मुकाबला, हरदोई में बोले अखिलेश यादव। इजराइल हमास युद्ध के बीच बोली इटली की पीएम, हमें हमास के जाल में नहीं फंसना है। यूपी में माफिया के ठिकानों पर चला बुलडोजर, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कराई कब्जा मुक्त। क्या खत्म होगी सपा कांग्रेस की राय, तल्खी के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान। पाकिस्तान पहुंचते ही नवाब शरीफ ने फोड़ा बम, बोले परमाणु परीक्षण रोकने के लिए क्लिंटन ने की थी $5 अरब की पेशकश। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।